तो जी आज है 20 तारीख और आज ये घूमने जा रहा है अपने दोस्तों के साथ, और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी क्योंकि पहली बार हमारे बिना बाहर जा रहा है। लेकिन इसके पापा बोले जाने दो, एक्सपीरियंस होता है बच्चों को, कभी अकेले भी जाना चाहिए। बाय, ध्यान से जाइयो। ठीक है, ध्यान रखियो अपना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो जी फ्रेंड्स, शाम के बजे हुए हैं 6 और यहाँ पे मैं करेले बना रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लीजिए। तो ये करेले ना मैंने ऐसे गोल गोल काट के रख रखे थे, ठीक है, और 4-5 घंटे पहले मैंने इनको धो करके काट के और इसमें डाल दिया था 1 चम्मच के करीब नमक, और नमक में इसको अच्छे से मतलब कि नमक के साथ मिक्स करके रख दिया था ढक के। अब 4-5 घंटे हो चुके हैं, तो उसके बाद ये मैंने धो लिए हैं अच्छे से, ठीक है, और ये छन्नी है ना इसमें थोड़ा सा ऐसे रख दिया जिससे कि इसका जो पानी है वो निकल जाए। ये पानी निकल गया है इसका, ठीक है, और बिना प्याज के बना रही हूँ मैं, बिना प्याज वाले। और यहाँ पे देखिए मैंने आम भी लिए थोड़ी सी, और ये 4 हरी मिर्चें ली हैं, सौंफ और साबुत धनिया इसको पीस लिया है मैंने मिक्सी में। बना के रखती हूँ मैं ये वाला मसाला हमेशा, क्योंकि कभी ना कभी कई बार सब्जी में डालने के काम आता है। और देखिए ये ना आधी आम भी लिए दोस्तों, आधी नहीं बिल्कुल जरा सी आम भी है, ये बिल्कुल जरा सी आम भी लिए, ठीक है, और इसको काट के इसके अंदर नमक मिर्च डाल के खाएंगे। मुझे बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है खाने में। आप लोग भी एक बार ट्राई करना, पूरी आम भी लेना। अभी तो एक ही आम भी थी मेरे पास, क्योंकि मैंने ये करेले बनाने के लिए ख़रीदी थी, तो इसमें से थोड़ा सा पीस ये बचा है। इसमें नमक डालूंगी, लाल मिर्च डालूंगी, उसके बाद खाऊंगी इसे टेस्ट के साथ, तो बहुत स्वाद लगेगी, आप भी ट्राई करना। और आज मैंने मेहंदी लगाई थी, क्योंकि अभी मैंने ना नवंबर के बाद से मेहंदी नहीं लगाई थी सर में, क्योंकि मेरे को ना मेहंदी से भी ठंड चढ़ती है, तो इसलिए मैंने करवा चौथ के बाद से अब मेहंदी लगाई है। उसके बीच में मैं कलर ही लगा रही थी, लेकिन कलर भी ये है कि मैं 2 महीने में एक बार लगा रही थी, क्योंकि इधर थोड़े से बाल सफ़ेद हैं इसलिए, और 40+ के हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपना ध्यान ना रखें, हम श्रृंगार करके ना रहें, या हम सजधज के ना रहें, या अपने अपने ऊपर ध्यान ना दें, इसका मतलब ये नहीं है। 40+ के हो चाहे 50+ के हो दोस्तों, कहते हैं ना वो एक कहावत है कि, हाँ याद आ गई, कि उम्र को हराना है तो शौक़ ज़िंदा रखिए, और दोस्त कम ही सही पर चुनिंदा रखिए। तो उम्र को हराना है तो अपने शौक़ ज़िंदा रखिए, अपने शौक़ जो हैं वो मारिए मत, करते रहिए जो भी शौक़ है आपका, चाहे आप मतलब अच्छे से बन के रहना चाहते हैं, नए कपड़े, मतलब कि आपको अच्छे से अपने आप को कहते हैं ना वो एकदम ड्रेसअप करके रहना पसंद है, तो उस तरीके से रहिए, जैसे जिसको रहना पसंद है वैसे रहिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्त ऐसे रखिए जिनके साथ आप अपनी पर्सनल बातें भी शेयर कर सकें, तो ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। और ऐसे दोस्त अगर आपके पास हैं तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा धनी हैं इस दुनिया में, समझिए इस बात को। तो जी चलिए अब ये बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिना प्याज के बना रही हूँ, और इसको हम पीस लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और पहले मैं जो मसाले होते थे वो भी इसके साथ पीस लेती थी, लेकिन मसाले मैंने पीस रखे हैं थोड़े दर दरे से, तो अभी केवल मैं इसको ही पीसूँगी मिक्सी में। तो जी देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी अच्छे तरीके से पीस गई है आम भी और हरी मिर्चें। तो जी फ्रेंड्स देखिए, सरसों का तेल डाला है मैंने कढ़ाई में, और तेल गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले मैं ये करेले ही डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ी देर के लिए। करेले को तेल में फ्राई होने देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जी दोस्तों देखिए, मैंने आम भी रखी थी ना, इसके ऐसे लंबे लंबे पीसेस कर लेते हैं। और वैसे एक ही आम भी ली थी, आगे से ज़्यादा आम भी लिया करूँगी उस दिन। थोड़ा सा नमक डालेंगे इसके ऊपर, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये देखिए। और अब इसको खाएंगे, देखो ऐसे दिखाओ, तो देखिए फ्रेंड्स, आम भी खा करके आत्मा मेरी बिल्कुल तृप्त हो चुकी है, बहुत स्वादिष्ट। और वैसे भी ना आम भी पेट के लिए ठंडी होती है, पेट ठंडा रखती है, ठीक है, चाहे आप आंबी का वो बना के पी लो, क्या कहते हैं उसे, जूस वगैरह, ठीक है, वो भी बना के पी सकते हो गर्मियों में।
और जलजीरा उसमें भी आप भी डाल सकते हो बना करके। गर्मी में ना तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, इस समय टेम्परेचर 45 के करीब जा रहा है मेरे ख्याल से, 45-47 के करीब दिल्ली में दोस्तों, हीट वेव चल रही है। हाँ, और गर्मी में खड़ा होना मुश्किल हो जाता है रसोई में, तो बस ये लगता है कि जल्दी से काम ख़त्म करो और फटाफट रूम में जाके बैठ जाओ। तो जी फ्रेंड्स देखिए, करेले थोड़े से फ्राई हो गए हैं हल्के से, तो अब मैं इसके अंदर ये मसाला डाल रही हूँ। ठीक है, अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ा आधी चम्मच नमक, क्योंकि नमक में ही हमने इसको वो करके रखा था ना मिक्स करके, तो इसलिए नमक कम डाल रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा वैसे आम भी डाली मैंने, हल्का सा अमचूर भी डाल देते हैं, और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो जी फ्रेंड्स, थोड़ा सा डाल रही हूँ इसके अंदर हींग, ठीक है, और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। मसाले सारे मिक्स कर चुकी हूँ मैं इसके अंदर, और अब ये लास्ट में ये जो आम भी है ना मैंने पीस के रखी थी, ये डाल देंगे इसके अंदर एकदम बढ़िया और लाजवाब करेले बनके। और कितनी ईजी रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। और करेले बहुत ही अच्छे होते हैं फ्रेंड्स, और जो कहते हैं जो शुगर और डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं ना, जिनको भी शुगर या डायबिटीज़ है, उनके लिए तो करेले बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एकदम ना ताज़ा करेले लेके बनाएं, तब उनको ज़्यादा इसके बेनिफिट मिलेंगे करेले के। मतलब कि इसको नमक में ना भिगोएं, और अगर किसी को ज़्यादा कड़वे लगते हैं तो आधे घंटे के लिए नमक डाल के रख दें, ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट बना लें तो ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेंगे इसके करेले के। तो देखिए करेले हमारे वो हो चुके हैं, अभी इसको ढक देते हैं हम, ठीक है। तो 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, करेले बनके तैयार हो जाएंगे। तो अभी मैं ढक रही हूँ इसको, मंदी आंच पे पकेंगे ये करेले। पहला अध्याय। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और दुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि। भगवान सत्यनारायण की कथा मैंने पढ़ ली है, और देखिए मैंने क्या क्या बनाया आज पूर्णिमा वाले दिन। मैंने हलवा बनाया, ठीक है, भगवान का भोग लगाने के लिए प्रसाद में आटे का हलवा है ये, और बनाई है मैंने मटर पनीर की सब्जी, ठीक है फ्रेंड्स, और पराठे बनाए हैं मैंने। तो चलिए भोग की थाली लगा लेते हैं, फिर भगवान का भोग लगा देते हैं, ठीक है। सब्जी भगवान के भोग के लिए, और हलवा मैं थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ, क्योंकि पहले खाना वगैरह बना दिया था और उसके बाद फिर मैं पूजा करने चली गई थी। तो हमारी भोग की थाली है, अब भोग लगाने के लिए चलते हैं। चलिए भगवान जी का भोग लगा देते हैं। तो जी सुबह के बजे हुए हैं 9:30, और यहाँ पर देखिए मैं नाश्ता लेके रूम में आ गई थी, और आज है बुध पूर्णिमा। आप सभी को बुध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नहाने के बाद सबसे पहले मैंने जो सारा खाना है वो बना लिया था। मीठे में मैंने बनाया था आटे का हलवा, और मटर पनीर की सब्जी बनाई थी, और पराठे बनाए थे, जो कि मैंने आज की जो थाली दिखाई है उसमें आपको खाना दिखाई दिया है कि मैंने क्या क्या बनाया था। और उसके बाद फिर मैं पूजा करने के लिए बैठ गई थी, और मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ी थी। और पूजा करने के बाद फिर मैंने चाय बनाई सबके लिए। आज हस्बैंड घर पे ही थे, छोटा बेटा और मैं और हस्बैंड, हम तीनों का ये नाश्ता है, क्योंकि बड़ा वाला बेटा जो है वो घूमने के लिए गया हुआ है, तो ट्रैकिंग पे गया हुआ है वो, तो वो आएगा 1-2 दिन के बाद, और हम लोग उसे काफ़ी मिस कर रहे थे इस समय। और देखिए उसके बाद नाश्ता करने के बाद हम 1-2 घंटे के लिए सो गए थे, रेस्ट कर लिया था, और इस समय शाम के 4 बजे हुए हैं। तो ये जो चादर है ना,
ये मेरे पास एक्स्ट्रा में चादर है और इसको ना मैं बेड पे, मतलब कि हम नाश्ता वगैरह करते हैं ना, तो मैं बिछा लेती हूँ जिससे कि चाय वगैरह ना गिरे या खाना वगैरह ना गिरे। और इस समय मैंने शाम की चाय बनाई है ये, और साथ में मैंने मखाने की नमकीन बनाई थी, मखाने मूंगफली, और इसमें बादाम भी डाला था मैंने। ले आए सब्जी, लाइट ऑन कर दियो वाली। तो जी कुछ सब्जी मंगाई है यहाँ पर, क्या लाए हो सब्जी में है? कितनी गर्मी हो रही है, गर्मी में परेशान हो गए है ना। धनिया पुदीना, ये तो चटनी का सामान हो गया, अदरक नींबू और आम भी लाए हो? ठीक है, गवार की फली, आलू, प्याज, प्याज तो मैंने कल भी लिए थे, ठीक है कोई नहीं ले आए हो। गोभी, मटर, गाजर, शिमला मिर्च, गाजर बस एक ही क्यों? अरे उस दिन मैंने ली थी, फ्रिज में रख दी थी तो खराब तो नहीं हुई थी। स्टोरेज वाली गाजर, कोल्ड स्टोरेज वाली गाजर। क्या हो गया, गर्मी लग गई क्या बहुत ज़्यादा? बाहर कितना है टेम्परेचर? कॉलर कैसे करा हुआ है, पीछे से सही कर लो कॉलर, गर्मी लगी कॉलर वाले कपड़े पहनने ही नीचे गर्मी में। क्या मंगवाया तूने सैंडोज से? ये बहुत चटोरा लड़का है, ये रख हाँ। तो इसका भाई गया हुआ है ना बाहर, तो इसलिए आज इसकी पार्टी है, तो इसने अपने लिए कुछ मंगवाया है, देखते हैं क्या मंगवाया। वेज मंचूरियन और चिल्ली पटेटो, ठीक है। और क्या बताओ जी, ये डब्बे सही रहते हैं है ना, इसमें पैकिंग ठीक रहती है। यहाँ पर क्या है, ये प्याज है, चटनी, चिल्ली पटेटो, साथ में वेज मंचूरियन, ये इसने मंगवाया अपने लिए खाने के लिए। माय गॉड, वॉक करके आई हूँ और इतनी गर्मी है ना, बता नहीं सकती इतनी ज़्यादा टेम्परेचर है, 46 या 47 के करीब टेम्परेचर हो रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, बिल्कुल पसीना पसीना हो गई हूँ। रूम में आके बैठी हूँ। मनी पानी दियो बेटा, एक गिलास पीने के लिए पानी डाल दो प्लीज़। पानी ना मटके में रख रखा है, ठीक है, एसी चलता है तो पानी ठंडा हो जाता है, किसी को झूठा करके पानी नहीं देना चाहिए, समझे? हाँ तो माऊ तो क्या है, झूठा पानी पीऊंगी? जिंदगी आपको झूठा खाता है एक गिलास और दे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा गर्मी है, सुबह से आज गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। और देखिए हम वोट डाल आए हैं, ठीक है, ये हमारा साइन वोट का, तो प्लीज़ अपनी वोट ज़रूर डालें, ठीक है, हम तो डाले हैं अपनी वोट। और भीड़ भी नहीं थी, कोई भीड़ नहीं थी क्योंकि सुबह सुबह चले गए थे। अभी कितना टाइम हो रहा है, 9:10 हो रहे हैं, देख लीजिए आप लोग, 9:10, तो सुबह सुबह अपनी वोट डाल के आ गए। और हस्बैंड तो सुबह 7:15 के करीब अपनी वोट डालने चले गए थे, वो डाल के ड्यूटी पे निकल गए, और अब मैं और छोटा वाला बेटा डाल के आए हैं, तो वो भी आपको अपना हाथ दिखाएगा, मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ ये देखिए, उसने भी वोट डाल दिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बहुत गर्मी है और सुबह सुबह ही डाल दीजिए वोट, या फिर शाम को, बीच में दोपहर में तो बहुत गर्मी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा दोपहर में तो क्या कहते हैं, वैसे कम भीड़ होती, सुबह ही ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन कोई भीड़ नहीं थी, नॉर्मल था, तो हम डाल आए बड़ी आसानी से जाके, कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत बस गर्मी लग रही है, गर्मी का तो कोई इलाज नहीं है। अभी कह रहे हैं कि नौपता शुरू हो गया है, तो 9 दिन तक गर्मी रहेगी। नौपता का मतलब सूर्य जो है वो पृथ्वी के बिल्कुल मतलब कि करीब आ जाता है, तो उसकी जो किरणें होती हैं ना सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ जाएगा और गर्मी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर 49-50 तक भी जा सकता है, तो आपने अपनी जो बॉडी से हाइड्रेट करके रखें, पानी पीते रहें, नींबू पानी पिएं, ठीक है, जितना हो सके लिक्विड, फ्रूट वगैरह ज़्यादा खाएं, जो पानी वाले फ्रूट होते हैं वो ज़्यादा खाएं, और क्या कहते हैं, पानी पीते रहें सारे दिन,
दिन में कम से कम 10-12 गिलास पानी तो बहुत ज़रूरी है पीना, तो वो पीते रहें। इससे क्या है कि हमारी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, और किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है अगर जैसे कि लूज़ मोशन वगैरह या कुछ हो जाता है, तो ORS सबसे बेस्ट है। ORS लेते रहें, WHO का ORS एक बॉटल में घोल लें और अपनी ड्यूटी पे भी साथ में ले जाएं, पीते रहें, ठीक है ना। क्योंकि इस समय जो घर में है उनको शायद इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ड्यूटी जा रहे हैं उनको बहुत दिक्कत है। इस गर्मी में ड्यूटी देना बहुत मुश्किल काम है एक तरीके से, लेकिन ज़रूरी भी है, क्योंकि भाई ड्यूटी तो ड्यूटी है। तो इसीलिए पानी की बॉटल साथ में रखें, ORS पीते रहें और अपना ध्यान रखें खास, और घर से नाश्ता करके निकलें, ठीक है दोस्तों, और वोट ज़रूर दें। बाय बाय। ये लड़का तंग आ चुका है वीडियो बना बना के मेरी। तो जी, इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखें।